अगर मानसिकता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान की के प्रति सरकार की, तो क्यों नहीं इन्होंने इस प्रकार का काम किया। यहां हम इस भवन में, इस सदन में बैठ करके अनुसूचित जाति की और जनजाति के उत्थान की बात कर रहे हैं। इसी भवन के अंदर हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया को इनविटेशन भी नहीं मिला था। भूलो मत उस बात को, आप लोग आइए पुनः उस पे। इतना ही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा उठाया आपने, क्यों नहीं इनविटेशन दिया आपने अनुसूचित जनजाति की उस महिला, हमारी जो राष्ट्रपति है उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? आपकी मानसिकता इस बात से दर्शाती है कि आप लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के विरोधी हैं। आप एक एक मिनट मंत्री महोदय, आप रिप्लाई में दे देना लास्ट में। मंत्रियों, मंत्री का जो रिप्लाई होता है वो देना चाहते हैं ये। मैं कहना चाहता हूं कि एसटी के मुख्यमंत्री को, एसटी के मुख्यमंत्री को फर्जी जमीन के मामले में इन्होंने हटा दिया। इन्होंने एसटी के मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया, एसटी के मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया, ये अभी ताजा उदाहरण है। इस सरकार ने किस प्रकार के हालात पैदा कर दिए देश के अंदर। ऐसा है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। आज भी एससी एसटी के लोगों के हालात क्या है? क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग को आप खत्म कर पाए? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मामला आज भी जिंदा है और आप बात करते हैं वाल्मीकि समाज को मुख्य धारा में लाने की। यहां इनके साथ में कुठाराघात जरूर हो सकता है, इनके इनके प्रति संवेदनाएं कभी नहीं आ सकती हैं, इनके लिए इनको न्याय नहीं दिला सकती है सरकार। अत्याचार बढ़ रहे हैं एससी एसटी पर, उनको रोकने का काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी